is Neha Alwani. Welcome to your own learning channel Neha Tutorials. आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 9th का चैप्टर सर्कल का एक्सरसाइज 10.4 एनसीईआरटी बुक मैथ्स. इस चैप्टर का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी आपसे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ. आज मैं इसका फोर्थ एक्सरसाइज 10.4 आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. इस एक्सरसाइज में आई थिंक 6 क्वेश्चंस हैं हमारे पास. यस, देर आर 6 क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. तो दो सर्कल्स हैं, उनके बीच का जो सेंटर है वो हमारे पास गिवन है. सपोज एक है ए और एक है बी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर. तो दो सर्कल्स बने हुए हैं, ये दोनों का सेंटर है, उनके बीच का डिस्टेंस है 4. और जो दो सर्कल, एक स्मॉलर और एक बिगर, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का 3 सेंटीमीटर. तो लेट यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बन रहा है, तो ये मैं मेजर करके तो नहीं बना रही. उसके बाद अब ये जो दूसरा पॉइंट है P, यहां से हम एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर. तो मैं यहाँ से एक अगेन एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ जिसका रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर. ओके, तो अब देखेंगे आप, ये हमारा जो है ये है रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, दैट मैंने इसका नेम दे दिया है सी. और जो ये है रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल. ठीक है, अब हमारे पास दिया रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर. आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. तो द कॉमन कॉर्ड क्या होगा, ये होगा हमारा कॉमन कॉर्ड. ठीक है, इसका मैं नेमिंग कर देती हूँ, सपोज ये पी है. तो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी सी. मैंने कुछ मेजर करके नहीं बनाया है, मैंने अंदाज से बनाया है, तो दिखने में छोटा बड़ा आपको लग सकता है. तो ये हो गया ओके. तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो, यू कैन सी द ट्रायंगल ए सी बी, इसके जो साइड्स है वो है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो जब भी आपको 3, 4 और 5 सेंटीमीटर मिलता है, दैट मीन्स दैट ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल. हाउ? बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा. 5 का स्क्वायर क्या है, 25, 3 का स्क्वायर है 9 और 4 का स्क्वायर है 16. तो ये 25 इज इक्वल टू 25. तो क्योंकि इसका जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर इक्वल है टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, देन वी से दैट द ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल. आप कैसे बता सकते हो कि कोई ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है या नहीं, बिना मेजर किए उसके एंगल्स को. अगर आपको तीनों साइड दिया है और आपको एंगल्स नहीं गिवन है, और अगर आपको पता करना है कि वो राइट ट्रायंगल है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आप लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर फाइंड करो. या लॉन्गेस्ट साइड 5 है, मैंने उसका स्क्वायर फाइंड किया, मिला हमको 25. और अदर टू साइड के स्क्वायर का सम करो. अगर ये दोनों इक्वल आता है तो मतलब ये राइट ट्रायंगल है, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम को. ठीक है, तो इसीलिए हेंस वी कैन से दैट ट्रायंगल सी ए बी इज राइट ट्रायंगल. अब क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो इसका मतलब ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी. ठीक है, तो ए सी अगर परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो अब आप देख सकते हो ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये इसका रेडियस है बी सी, और ये परपेंडिकुलर है विच इज ड्रॉन टू द कॉर्ड. जो पी सी है वो कॉर्ड है इस सर्कल का, और आपने थ्योरम पढ़ा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड.
थ्योरम के हिसाब से अगर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कॉर्ड में हमने ड्रॉ की है तो ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। तो अगर ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो अगर ये AC3 है तो AP क्या वो भी 3 होगा, ठीक है। तो ये टोटल जो PC है वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ PC। तो PC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC और इसका रीजन हम डालेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो ये रीजन है और इसीलिए PC इज इक्वल टू 2 into AC और AC का लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल जो हमको कॉमन कॉर्ड फाइंड करना था वो हमको मिल गया, वो है PC, दैट इज 6 सेंटीमीटर।